वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे, इसराइल ने अपने तरफ से अनाउंस किया है कि इसराइल को 500 मिलियन डॉलर का गोल्ड, इंक्लूडिंग गोल्ड और कैश, एक साथ मिला, वो भी बेहरूत पे, मतलब लेबनान का जो कैपिटल है बेहरूत में। ये जो टोटल प्रॉपर्टी मिला है एग्जैक्टली, जिसमें गोल्ड भी है, साथ ही साथ यूएस डॉलर्स भी है, ये सब कुछ जो है वो हिजबुल्ला के जो चीफ पहले थे, मतलब हसन नसरल्ला, उनसे बिलोंग करते हैं, मतलब ये सारा पैसा उनका है। ऑन द अदर साइड ये मनी अभी जाके लेबनन के एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के नीचे एक बंकर किया हुआ है, उसी बंकर में ये सारा कुछ सिचुएटेड है। इसराइल ने अपने तरफ से एक वीडियो जारी किया है, जिस वीडियो में पूरा डिटेल्स कैसे ये पैसा को बाहर निकाला जा सकता है, कौन सा एग्जैक्ट लोकेशन पे ये है, कितना सारा एंट्रेंस है वो बंकर में, सब कुछ अपने तरफ से पब्लिक किया है। और आगे जाके देखना है एग्जैक्टली ये पैसा है या फिर नहीं है, ऑन द साइड अगर है तो कौन ये पैसा के ऊपर कब्जा करता है। तो नो डाउट आज के डेट में अगर दुनिया में हम लोग देखें, डिफरेंट कंट्रीज जो है एक दूसरे के साथ वार में कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसराइल को ही ले लें, इसराइल तो एग्जैक्टली सबसे सामने है क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज के साथ, बहुत सारे ग्रुप के साथ इसराइल का वार है। और आज के डेट में अगर हम लोग देखें दुनिया में जो वार है, इसका जो डेफिनेशन है, ये अगर कोई कंट्री चेंज कर दिया है वो है इसराइल। क्योंकि पहले हम लोग को देखने को मिलता, अगर आप पास्ट में जाते तो हम लोग को देखने को मिलता है हिस्ट्री में कि यूरोप से जो लोग बाहर दूसरा कंट्री में बोलते थे कि भाई आप लोग का, आपके देश में हम लोग बिजनेस करने जाएंगे, फिर वहाँ का जो खजाना है वो लूट लेता था। ऑन द अदर साइड इसराइल एक ऐसा कंट्री है जो अपने तरफ से ये जो वार का डेफिनेशन है इसको ही चेंज कर दिया। आज के डेट में इसराइल अपने तरफ से आगे जाके जो वहाँ के पब्लिक है, मतलब जो लेबनन के सिटीजन है, उन लोगों को क्लीन एंड क्लियर एक वीडियो के तरफ से बोल दिया जा रहा है कि भाई आपके देश में इतना पैसा है, इस लोकेशन पे है, और ये पैसा बिलोंग करता है जिसको, उसका डेथ हो गया है, अब ये पैसा को क्या करना है आप लोग अपने तरफ से डिसाइड कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड इसराइल का अपील है कि भाई ये पैसा कैसे भी करके हिजबुल्ला के हाथ में आना नहीं चाहिए। अगर ये पैसा हिजबुल्ला के हाथ में आ जाता है तो हिजबुल्ला अपने तरफ से ये जो पैसा है इसको कुछ नेगेटिव काम में यूज़ करेगा या फिर उन लोगों के हथियार खरीदने में यूज़ करेगा, इसलिए इसराइल ने अपने तरफ से ये इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक कर दिया। तो पहले का जो था, मतलब हिस्ट्री में हम लोग देखते थे, अगर हम लोग इंडिया में ही देख ले तो हम लोगों को देखने को मिलता कि ब्रिटिश जो आए थे वो इंडिया में आए, इंडिया में अपने तरफ से बोला कि भाई बिजनेस करेंगे, उसके बाद इंडिया का जितना भी खजाना था इंक्लूडिंग कोहिनूर को भी वो लोग लूट के ले गए। ऑन द अदर साइड इसराइल के साथ जो कंट्री का वार हो रहा है आज के डेट में अगर देखा जाए, हिजबुल्ला का वार है, लेबनान का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर हिजबुल्ला जो है वो लेबनान का ही एक पार्ट में अभी बसते हैं। इसराइल ने अपने तरफ से उनका जो लीडर है उसको मार दिया, और उसका जो खजाना है, मतलब एग्जैक्टली उन्होंने अपने तरफ से अपना लाइफ में जो पूरा सेविंग्स किया है वो खजाना को लेबनान के जो सिटीजन है उन लोगों के लिए बोल दिया कि भाई आप लोग जाइए, इस लोकेशन में पैसा है, आप ये पैसा अगर निकाल सकते हैं तो आपके लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम है वो सारा प्रॉब्लम आप रिजॉल्व कर सकते हैं ये पैसा से, इसीलिए आप लोगों के लिए संदेश है, आप लोग जाके ये पैसा को लूट लीजिए या फिर बाहर निकालिए, जो भी चाहिए आप लोगों को, जो चाहिए आप लोग कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, इसराइल ने क्यों ऐसा किया, इसराइल ने अपने तरफ से ये जो सारा खजाना है इसका इन्फॉर्मेशन क्यों पब्लिक कर दिया। दूसरा क्वेश्चन, अगर इसराइल को पता है कि एग्जैक्ट एक लोकेशन में पैसा है, गोल्ड है, जो भी है, एग्जैक्टली 500 मिलियन डॉलर एक बड़ा अमाउंट होता है, तो ये अमाउंट अगर इसराइल को पता है, इसराइल ने क्यों ये सारा इन्फॉर्मेशन पब्लिक कर दिया। ऑन द अदर साइड इसराइल ने अपने तरफ से ये पैसा जो है नहीं निकाला। तीसरा क्वेश्चन, एग्जैक्टली इसराइल क्या चाहता है, इसराइल ने अपने तरफ से ये जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक किया इसके बदले इसराइल क्या चाहता है। और चौथा क्वेश्चन, क्या ये बात सही सच है या फिर ये भी कोई इसराइल का एक गेम है जिसमें हर कोई फंसता जाएगा, आगे जाके वो लोग अपने तरफ से हॉस्पिटल में जाके इकट्ठा होगा, उन लोगों का बंकर चेक करेगा, ऑन द अदर साइड देखा जाएगा कि इसमें कोई पैसा नहीं है। तो चलिए इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने का कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट, कि भाई इसराइल ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। अगर हम लोग पास्ट में देखें, जो कोई भी वार में कनेक्टेड होता था या फिर जो कोई वार जीत जाता था या फिर वार में जिसके पास ज़्यादा पावर रहता था, वो लोग अपने तरफ से हमेशा आगे वाले जो कंट्रीज है या फिर आगे के जो भी हार जा रहे हैं उनके जितना भी उनके पास जितना भी मतलब एग्जैक्टली प्रॉपर्टी होता था या फिर जितना भी पैसा होता था या फिर जितना भी गोल्ड होता था हर कुछ लूट के ले जाता था। मगर इसराइल को एक ट्रेंड सेट करना था, इसराइल ने अपने तरफ से यही ट्रेंड सेट किया कि भाई हम लोग को पैसे का ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को लेबनन का कोई पैसा हम लोग यहाँ से ले जाने के लिए वॉर स्टार्ट नहीं किया, हम लोग को चाहिए एग्जैक्टली हिजबुल्ला को ख़त्म करना, और अगर हिजबुल्ला के कोई भी चीफ हो या फिर कोई भी हो जिसके पास ये पैसा है, हम लोग को अगर वो पता चलता है, हम लोग अपने तरफ से ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम लोग पब्लिक कर देंगे, आगे जाके लेबनन के जो पब्लिक है वो अपने तरफ से डिसाइड करेगा उन लोगों को एग्जैक्टली ये पैसा चाहिए या फिर नहीं चाहिए,
हम लोग एक चीज अश्योर करेंगे कि ये पैसा हिजबुल्ला के हाथ आना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, इससे एग्जैक्टली जो लेबनान के सिटीजन से या फिर लेबनान के जो पब्लिक है उन लोगों के दिल में इसराइल के लिए एक अच्छा कॉर्नर पैदा होगा, एग्जैक्टली एक सॉफ्ट कॉर्नर ग्रो करेगा कि भाई इसराइल जो है, इसराइल हम लोग के अगेंस्ट में नहीं है, भले ही उन लोगों के लिए हम लोग के लाइफ में बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ है। ऑन द साइड इसराइल चाहता है सिर्फ एंड ऑफ हिजबुल्ला, इसराइल को एग्जैक्टली कुछ प्रॉब्लम नहीं है लेबनान के जो सिटीजन है उन लोगों के तरफ से, एग्जैक्टली हिजबुल्ला के तरफ से नो डाउट इसराइल के अगेंस्ट में बहुत सारा प्रचार किया गया होगा लेबनान में, जिसके बदले हिजबुल्ला चाहता है कि भाई जो लेबनान के सिटीजन है वो इसराइल के अगेंस्ट में जाए। मगर ये एक ऐसा स्मार्ट मूव है जिस मूव से आगे जाकर लेबनान के जो सिटीजन है उन लोग को पैसा मिलेगा, और वही पैसा मिलने के वजह से लेबनान के जो सिटीजन हैं वो एंटी इसराइल से एंटी हिजबुल्ला बन सकता है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें हिजबुल्ला के जो नीचे के मेंबर है, मतलब जो पिरामिड है उसके एकदम मतलब ग्रास रूट में जो मेंबर है, उन लोगों को अगर देखें उन लोगों का जो लाइफस्टाइल है कुछ अच्छा या फिर बहुत अच्छा नहीं होता है कंपेयर टू जो लाइफस्टाइल हिजबुल्ला के जो चीफ एग्जैक्टली हसन नसरल्ला जो जीता था, वो जिसके पास इतना सारा मतलब पैसा था, इतना सारा उन लोगों के पास सीक्रेट मनी था। तो नो डाउट इसराइल के तरफ से ये एक ऐसा मूव है जिससे ये बात तो क्लियर हो जाएगा हिजबुल्ला के जो ग्रास रूट पे जो मिलिटेंट्स हैं उन लोगों के लिए कि भाई आप लोगों के लाइफ को देखिए, साथ ही साथ आपके जो चीफ थे उनका लाइफ देखिए कितना डिफरेंस है। ऑन द अदर साइड आप लोग जो लड़ते हैं इसराइल के अगेंस्ट में, आज के डेट में इसराइल ने आप लोगों को एक चांस दिया है जिससे अगर आप चाहे तो आप लोग भी ये पैसा का जो मालिक है वो भी आप बन सकते हैं। तो नो डाउट ये एक ऐसा मूव है जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है इसराइल अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं हिजबुल्ला के अंदर में डिवाइड और रूल जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने का। तो यही सारे रीजंस है जिसके वजह से इसराइल ने अपने तरफ से ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पब्लिक किया है। क्वेश्चन नंबर टू कि इसराइल अपने तरफ से ये बंकर जो है इसको क्यों आगे जाके डिग नहीं कर रहा है, या फिर इस बंकर से जो 500 मिलियन का जो मतलब पैसा या फिर गोल्ड मिलने वाले उसको क्यों नहीं निकाल रहा है। इसराइल को एक ट्रेंड सेट करना था, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई हम लोग जो है हम लोग चोरी करने नहीं आए या फिर हम लोग लेबनान को लूटने नहीं आए, हम लोग को सिर्फ हिजबुल्ला को ख़त्म करना है, बाकी लेबनान में जो भी है चाहे वो हिजबुल्ला का हो चाहे वो किसी और का हो पैसा से हम लोग को कुछ मतलब नहीं, ये पैसा आप लोग एक काम कर सकते जो लेबनान के सिटीजन वो आप लोग अपने आप में बांट लीजिए, आप लोग का जो लाइफस्टाइल है उसमें आप लोग तरक्की कीजिए, हम लोग के पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन आता है वही इन्फॉर्मेशन हम लोग पब्लिक कर दे रहे हैं, आगे आप लोग जा सकते हैं ये जो हॉस्पिटल है वहाँ जाके आप लोग ये पैसा निकाल सकते हैं। इससे एग्जैक्टली क्या होगा, अगर उस हॉस्पिटल में एक भी हिजबुल्ला का कोई बंदा रहा, क्योंकि हम लोग को पास्ट में देखने को मिला है कि लेबनान के जो हॉस्पिटल्स है उसके अंदर बहुत सारे हिजबुल्ला के जो मेंबर्स है वो कभी ना कभी वहीं छुपे रहते थे, अगर कोई मिलता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लेबनान के जो सिटीजन है जब वो लोग जाके वहाँ भीड़ जमाएगा या फिर वो लोग जाके वो पैसा निकालने का कोशिश करेगा तो ये लेबनान के सिटीजन वर्सेस हिजबुल्ला एक मूवमेंट में टर्न होगा जिससे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो है इसराइल का। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें अगर कहीं भी जाके हिजबुल्ला कहीं छुपने का कोशिश करते हैं तो जो लेबनान के सिटीजन है वो लोग आगे जाके हिजबुल्ला को सामने लाएगा और वो लोग एंटी हिजबुल्ला बन के उन लोग के अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा। तो यही स्मार्ट मूव के वजह से इसराइल ने अपने तरफ से ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक किया है और खुद ये पैसा नहीं निकाला है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, एग्जैक्टली इसराइल को क्या चाहिए। इसराइल को सिर्फ चाहिए हिजबुल्ला का ख़त्म करना, और इसराइल चाहता है कि ये हिजबुल्ला को ख़त्म करने में आगे जाके लेबनान के जो सिटीजन है वो लोग भी अपने तरफ से आगे आए या हेल्प करें, और इसके लिए इसराइल को चाहिए था हिजबुल्ला के अगेंस्ट में इसराइल के सिटीजन का सपोर्ट, और यही सपोर्ट ग्रो करने के लिए इसराइल ने एक स्मार्ट मूव यूज़ किया। जब इसराइल को पता चला कि ऐसा कुछ एग्जैक्टली लोकेशन में इतना सारा पैसा है, इसराइल ने अपने तरफ से ये इन्फॉर्मेशन जो है ये लेबनान के सिटीजन के लिए खोल दिया कि भाई आप लोग के लाइफ में इतना प्रॉब्लम है, आप लोग का लाइफस्टाइल ये है, आप लोग को ये प्रॉब्लम है, सबका मेजर जो इशू है क्योंकि आप लोग के पास पैसा नहीं है, अगर आप लोग को पैसा चाहिए तो हम लोग आपको गाइड करते हैं आप लोग को कैसे आप पैसा कमा सकते हैं, आगे जाइए आप वहाँ से पैसा निकाल लीजिए और ये पैसा आप मेक श्योर कीजिए, हम लोग भी ये श्योर करते हैं कि ये पैसा हिजबुल्ला के हाथ में जाना नहीं चाहिए, आप लोग आपस में बांट लीजिए, जिससे आगे जाके क्या होगा, बैठे बैठे हिजबुल्ला के जो लोकेशन है उस लोकेशन में हिजबुल्ला के जो साथी है एग्जैक्टली हिजबुल्ला जिन लोगों को दबा के रखते थे या कभी कभार पैसा देके जैसे करके भी हिजबुल्ला अपनी तरफ से जो लेबनान के सिटीजन से उन लोगों को हैंडल करते थे वो लोग एंटी हिजबुल्ला बन जाएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो होगा इसराइल का। नो डाउट अगर हम लोग पास्ट में देखें कभी भी वार में ये सारा टैक्टिक्स हम लोग को रिसेंट हम देखने को नहीं मिला जो इसराइल कर रहा है, जैसे कि हम लोग इसराइल से पहले भी हम लोग देखे
जो आपका पेजर अटैक था, अभी ये जो कर रहे हैं कि जो पैसा है उन लोगों का पैसा उन लोगों में ही मार दो, साथ ही साथ उससे क्या होगा, हम लोग को सपोर्ट ग्रो करेगा, हम लोग के लिए एग्जैक्टली जो लेबनान के सिटीजन्स है वो लोग सपोर्ट करेगा, जिससे आगे जाके हिजबुल्ला को खत्म करने में हम लोगों को हेल्प मिलेगा। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, इसराइल ने अपने तरफ से ये जो इन्फॉर्मेशन दिया, क्या ये इन्फॉर्मेशन सच है या फिर ये भी इसराइल का कोई एक नया चाल है जिससे आगे जाके हो सकता है कि इसराइल को कुछ फायदा मिले। नो डाउट जिस लेवल पे अभी वार चल रहा है, जिस लेवल पे इसराइल को हिजबुल्ला के अगेंस्ट में मतलब इसराइल खड़ा है और वो लोग चाहते हैं कि हिजबुल्ला का कम्प्लीटली मतलब खत्म हो जाए, इस टाइम में इसराइल कभी भी ये रिस्क नहीं ले पाएगा कि कोई स्कैम या फिर कोई प्रैंक करे, क्योंकि आगे अगर इसराइल ऐसा करता है तो नो डाउट लेबनान के जो सिटीजन है वो लोग एंटी इसराइल बन जाएंगे। तो ऐसे ही वो लोग एंटी इसराइल है क्योंकि हिजबुल्ला का जो इन्फ्लुएंस है उन लोग के ऊपर ऑब्वियसली एक्टिव है और इसको ही खत्म करना है। तो मुझे नहीं लगता कि इसराइल अपने तरफ से ये जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक किया है इसमें कुछ प्रैंक होने का चांसेस है, हो सकता है कि आगे जाके इसमें कुछ अलग हो, जैसे एग्जैक्टली जो अमाउंट इसराइल क्लेम कर रहे हैं कि 500 मिलियन डॉलर के आसपास, वो अमाउंट कम या फिर ज़्यादा हो सकता है आगे जाके, अगर इसमें जैसे हम लोग को नेक्स्ट अपडेट मिलेगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा, अगर आपको भी ये पैसा चाहिए आप तो आप बेरूत जा सकते हैं, वहाँ जाके आप भी कोशिश कर सकते हैं कि भाई ये बंकर जो है इसमें घुसते हैं, उसके बाद पैसा जो है वो निकाल के लाते हैं। और होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा, अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANUSPAYUL में जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज वहाँ आपको देखने को मिलेगा। जो वीडियो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होगा आपका जो टेस्ट है एग्जैक्टली आपको क्या देखना अच्छा लगता है वो जो आपका सोच है वो आप उन तक पहुंचते हैं। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। जब भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जो बेल आइकन है उसमें ज़रूर क्लिक कीजिए, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है। वीडियो डिफरेंट टाइम में आएगा, जब भी आएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप वीडियो देख पाएंगे और वो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचेगा वो आपके अंदर ही रह जाएगा, वो आपसे कोई ले नहीं पाएगा। तो अगर आपको अपने आप को अपडेट करना है तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब करने के बाद टाइम में बेल आइकन में भी क्लिक करना होगा, ये आप याद रखेंगे। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।